ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਗੈਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। उस बारे जी मैं कंप्लेट जी आकाश अरोड़ा पुत्री विजय कुमार वासी सामने बाटा शोरूम पुतली घर अमृतसर की रहने वाली है। तो ये अपने गहरी मंडी एक्सिस बैंक बतौर मैनेजर का काम कर रही है। तो इन्हें एक दरखास्त लिखी पेश की है भी मिती 16-17 की दरमियानी रात को नाम चोरों ने बैंक की कंध में पाल लगा के बैंक के अंदर दाखिल हो गए, ATM मशीन की भन्न तोड़ की आ। पर बैंक में खोल के अज मैं मतलब कि अपने स्टाफ के नाल वेख्या तो वाकया भन्न तोड़ हुई ही। तो ATM मशीन चैक की जिसे कोई भी कैश जो चोरी होना नहीं पाया गया। इस तो अलावा असी सारे स्टाफ ने अपने जो दफ्तर रिकॉर्ड की भी सर्च की है तो कोई भी रिकॉर्ड न छेड़छाड़ नहीं हुई। इस संबंधी मुकदमा दर्ज करके जी तफ्तीश अमल की लगी जा रही है। तो CCTV फुटेज कोई भी जी क्लीयर मतलब कि इन्हों का चेहरा सामने नहीं आया क्योंकि इन्हें मूँह बने बंद लाई एक दो तीन व्यक्ति है। मुढ़ली तफ्तीश हो रहा इलाके CCTV कैमरे इन्हों की फोटो संघाली जा रही है। ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਗੈਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਪੁੱਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਟਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੈਰੀ ਮੰਡੀ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। तो इन्हें एक दरखास्त लिखी पेश की है भी मिती 16-17 की दरमियानी रात को नाम चोरों ने बैंक की कंध में पाल लगा के बैंक के अंदर दाखिल हो गए, ATM मशीन की भन्न तोड़ की आ। पर बैंक में खोल के अज मैं मतलब कि अपने स्टाफ के नाल वेख्या तो वाकया भन्न तोड़ हुई ही। तो ATM मशीन चैक की जिसे कोई भी कैश जो चोरी होना नहीं पाया गया। इस तो अलावा असी सारे स्टाफ ने अपने जो दफ्तर रिकॉर्ड की भी सर्च की है तो कोई भी रिकॉर्ड न छेड़छाड़ नहीं हुई। इस संबंधी मुकदमा दर्ज करके जी तफ्तीश अमल की लगी जा रही है। तो CCTV फुटेज कोई भी जी क्लीयर मतलब कि इन्हों का चेहरा सामने नहीं आया क्योंकि इन्हें मूँह बने बंद लाई है एक दो तीन व्यक्ति है। मुढ़ली तफ्तीश हो रहा इलाके CCTV कैमरे इन्हों की फोटो संघाली जा रही है। पार्टियां भेजिया पुलिस पार्टियां भेजिया गई।